इसमें कितने लोग कर रहे हो? चलो अपना अपना पेपर निकालें। हो गया। हाँ रहेगा तो, लेकिन एक हमसे चूक हो गई। एक मिनट,
मन कहे निकाल लो, ना मन कहे ना निकालो, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रोज कहने से बढ़िया ना कहें वो ज़्यादा सही ना। ये कह रहे हैं मोबाइल निकालें, हम कहे कोई ज़रूरी नहीं, आपकी इच्छा ना। निकाल लेंगे तो शेयर हो जाएगा, नहीं निकालेंगे तो कोई मतलब नहीं। बेटा चलो जल्दी फटाफट पहला प्रश्न देखो, बताओ। लिंक नहीं भेजा गया है? ए अंशु लिंक भेज दो सबको मेरे पे। हाँ हाँ पब्लिक करो भाई। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ। कितना समय लगेगा? तो आप सारे लोगों ने बुकलेट ले लिया है, विवेक भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, अभी प्राइवेट है, भेज रहे हैं। चले पहुंचा सबके पास? नहीं यार, चलिए आज का जो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा भूमि कर की दर 1/3 से बढ़ाकर 1/2 कर दिया गया ना? तो देखते रहें, चले वही कहानी फिर दोहरा दी जाए, जैसे हरदम दोहराते रहते हैं कि एक बार लिंक को शेयर कर दें। हो गया? जो मोबाइल ना निकाले हो मोबाइल निकाल लें। हाँ ये भी सही है। चले तो पहला प्रश्न है बेटा, जल्दी फटाफट आप लोग उत्तर देना शुरू कर दें। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा ये आ जाओ, अब ये सुनो 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 सुनो, चले बेटा चले। तो निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा भूमि कर की दर 1/3 से बढ़ाकर 1/2 कर दी गई? तो ठीक है, तो चार विकल्प दिए गए हैं, तो यहां आपका उत्तर विकल्प सी सही है। ठीक है, विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या दो की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था? वजीर, वकील, मीर बख्शी, मीरे सामा। अगर सर्वोच्च अधिकारी की बात की जाए तो सर्वोच्च अधिकारी वकील था। ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी वकील था, कल ही आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
चलिए प्रश्न संख्या तीन, प्रश्न संख्या तीन की बात करते हैं। निम्नलिखित मुगल शासन में किसने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ कर दिया? जहांगीर ने, शाहजहां ने, मोहम्मद शाह ने, शाह आलम ने? जल्दी जल्दी उत्तर बताएं। ठीक है, तो आपका उत्तर विकल्प बी शाहजहां है। ठीक है, विकल्प बी शाहजहां है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नानकर और बंध क्या है? सिंचाई यंत्र, लगान मुक्त भूमि, बुवाई यंत्र, इनमें से सभी? आ जाओ, सभी नहीं, इसमें लगान मुक्त भूमि है विकल्प बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लें। प्रश्न संख्या पांच, शांत रहें, मालूम है। ठीक है, मुगल प्रशासन में कौन दारोगा ए तोपखाना, दारोगा ये तोपखाना के नाम से जाना जाता है? मोहतसिब, मीर आतिश, सिकदार और मीर बख्शी? बेटा चारों विकल्प कभी न कभी पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, आगे होंगे भी। तो यहां हमने आपसे चर्चा की दारोगा ये तोपखाना के नाम से जाना जाता है, मीर आतिश विकल्प बी आपका सही है। जैसे आपने देखा था किसी की सिफारिश के आधार पर कोतवाल की नियुक्ति की गई थी। आइए अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न, किस मुगल कालीन अधिकारी को लेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल कहा जाता है? मुशरिफ ए मुमालिक, मेरे सामा, वकील ए मुतलक, मुस्तौफी मुमालिक? जल्दी से फटाफट बताएं। विकल्प विकल्प डी, मुस्तौफी मुमालिक ऑडिटर जनरल के नाम से जाना जाता। ठीक है, मुस्तौफी मुमालिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आवाज आप लोग ज्यादा कर रहे हो भाई। सब लिखाया गया बेटा, सारी चीजें, सारी चीज पढ़ें, हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सी स्पीड बना ले, उसके बाद हम आ जाते हैं, क्योंकि 125 प्रश्न है ना। देशमुख, पाटिल एवं नायक विभिन्न नाम दिए गए मनसबदार के, जागीरदार के, जमींदार के, स्वायत्त प्रमुख अधिकारी के, बताएं फटाफट। प्रश्न संख्या सात ना, तो देशमुख, पाटिल, नायक क्या हैं? जागीरदार हैं। ठीक है, जागीरदार हैं। चलिए अगला प्रश्न लें। जागीरदार, जागीरदार के। चलिए, किरोरी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया गया? किरोरी, किरोरी मतलब करोड़ी ना, तो करोड़ी का किसने किया था? अकबर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या नौ, अकबर के शासनकाल में प्रचलित दाम सिक्का है, दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर थे? प्रश्न संख्या नौ। ठीक है, ढाई पैसे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न लें।
चलिए, पैबाकी शब्द से तात्पर्य है मंदिर से, कर से गांव का समूह और भूमि ना। पैबाकी एक प्रकार की भूमि का प्रकार है, विकल्प डी ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा अभिकरण मुगल कालीन जागीरों व जागीरदारों की कार्रवाइयों का विवरण रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिकरण, अभिकरण मीन्स एजेंसी ना, दीवाने असल, दीवाने खालसा, सवाह ने निगार, अदल ए जागीर, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 11 में ठीक है, सवाह ने निगार इसमें है, ठीक है। सवाह ने निगार जागीरदारों, मुगल कालीन जागीरों व जागीरदारों की कार्यवाहियों का विवरण रखता था, खुफिया टाइप का है, ठीक है। हम अगला प्रश्न लेते हैं, मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था खानेशामा, वकीले दर, वाकिया नबीस, नाजिरे व्यूतात। तो विकल्प ये खानेशामा, ठीक है, विकल्प ये खानेशामा। चलिए अच्छी बात है, मोबाइल आप लोग बंद कर लिए हैं, बड़ी अच्छी बात, खुशी की बात है। हाँ मुझे मालूम है, कल पेट देने जाना है सब। पढ़ें, मोबाइल चलने दीजिए बेटा, चलें। मुगल शासनकाल के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य, मीर बख्शी का कार्य क्या था बेटा? नागरिक प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सैन्य प्रशासन, अनुदान एवं चंदा, ठीक है, सैन्य प्रशासन से संबंधित, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न 13, क्या 14 सॉरी, अगला प्रश्न है, बेटा चलें। निम्नलिखित में से कौन प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही था? दीवान, नाजिम, बख्शी और फौजदार, ठीक है। इसमें से कौन सैन्य प्रशासन और क्या कहते हैं प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक दोनों था? तो बख्शी था, इसको वेतन देने का अधिकार भी था, बाकी सैन्य का मामला देखता ही था, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्नों की तरफ चलें। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15, मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? बेटा मैंने कल बताया था कि सूबेदार और वकील और सूबेदार एक दूसरे को चेक बैलेंस करते थे ना, तो ये दीवान का काम यहां है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है, अपने अपने बुकलेट पर चिन्ह लगाते चले जाएं, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। बेटा प्रश्न संख्या 16, मुगलों के काल में परगना, मुगलों के काल में, मुगलों के काल में परगना या महल, महल के प्रशासन का मुखिया कौन होता था? आमिल, पटवारी या पटदार, सिकदार, मुकद्दम, ठीक है। जल्दी से बताएं प्रश्न 16 का, ठीक है, 16 का ठीक, ठीक है, सिकदार, सिके सिकदार, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, चलिए मुगल काल में निर्धारित भू राजस्व सदैव ही वास्तविक वसूली हासिल से अधिक रहता था, इसका सर्वप्रमुख कारण क्या था? प्रश्न संख्या 17, जल्दी बताएं फटाफट, प्रश्न संख्या 17, ठीक है। तो कृषक राजस्व वसूली के समय पलायन कर जाते थे, भू राजस्व अधिकारी राजस्व का गमन कर लेते थे, जानबूझकर अधिक भू राजस्व निर्धारित किया जाता था इनमें से सभी। तो बेटा यहां देखा जाए तो विकल्प सी सही है, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 18,
सी था। प्रश्न संख्या 18, मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में कौन सर्वाधिक वेतन भोगी था? आहदी, बरगीर, दाखली, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 18 का अच्छा पता नहीं, हम कैसे सुन लेते हैं। आहदी, बरगीर बेटा मजबूत है ना, वो बरगीर और सिलेदार मिलेंगे मराठों में ना बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, मुगल सेना का नौ सेनापत कौन होता था? मुअल्लिम, मेरे बहर, किरानी, नाखुदा। बेटा ये मेरे बहर ना, मेरे बहर। चलिए अगला प्रश्न लें। चलिए मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न संख्या 20, मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुगल शासन व्यवस्था मुख्यतः एक सैनिक शासन था, वह एक केंद्रीयभूत निरंकुशवाद या एक तंत्र पर आधारित था, सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था, सम्राट द्वारा मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। तो यहाँ पर इस्लामिक परंपराओं का पालन करना अनिवार्य नहीं था, पढ़ता भी नहीं था, बहुत सारे लोग इस्लामिक परंपराओं का उल्लंघन भी किए। तो आपका विकल्प यहाँ होगा विकल्प सी बेटा। चलिए अगला प्रश्न लें। देखें, ध्यान दें आप लोग, जब इस टाइप के प्रश्न आपको दिखेंगे इसमें दो दो उत्तर दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर उनके विकल्पों पर निर्भर होंगे। जैसे जैसे मजबूत विकल्प मिलता जाएगा आपके उत्तर बदलते चले जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 21 की बात किया जाए, मुगलों के शासन काल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? फरमान, सनद, खुतबा और निशान। खुतबा जो है शाही दस्तावेज नहीं था ना, ठीक है, बाकी सब फरमान, सनद और निशान, ये सब शाही दस्तावेज थे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 की बात करें बेटा, देखें 22 में, निम्न में से कौन सा अधिकारी इस्लामी कानून का संरक्षक था? काजी उल कुजात, मुहतसिब सदर सुदूर, खाने सामा। इस्लामी कानून का संरक्षक काजी उल कुजात 22 का ए होना चाहिए। सदर उस सुदूर धर्म का ना, काजी उल कुजात ये जो आपका है इस्लामी कानून का संरक्षक, नहीं सॉरी, ये सदर सुदूर होगा। सदर सुदूर इस्लामी कानून का मतलब, शांत रहें, इस्लामी कानून का मतलब धर्म, इस्लामी कानून का मतलब धर्म, ठीक है। वो न्याय से केवल कानून की बात होती तो आ जाता, तो यहां विकल्प आपका सी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया? जहांगीर ने, शेरशाह ने, अकबर ने, शाहजहां ने। अल्तमगा, ठीक है, अल्तमगा जागीर की शुरुआत जहांगीर ने कर डाली, ठीक है। अभी जागीर पढ़ाया नहीं गया है, कल जागीर पर चर्चा हम करेंगे, ठीक है, कल क्या मिलेंगे। तो बेटा चलें, पद प्राप्ति के कारण दी जाने वाली जागीर को कहा जाता है इनाम जागीर, मशरूत जागीर, वतन जागीर, तनख्वाह जागीर। जल्दी से बताएं, पद प्राप्ति के बाद जो जागीर दी जाती है उसे किस प्रकार की जागीर कहा जाता है? मशरूत जागीर, विकल्प बी। चलिए
हम देखते हैं प्रश्न संख्या 25। चलें प्रश्न संख्या 25 की बात की जाए। मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है ना, या मुस्लिम कानून का व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? काजील कुजात, काजी मुफ्ती और मीर आदिल। बेटा ये मुफ्ती जो है कानून की व्याख्या करता था और सारे जितने हैं सारे चारों के चारों आर्टिकल ये न्याय से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। वह अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवारत होते थे कहलाते थे शेखजादा, मिर्जा, खान खाना, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसके जगह पे एक खान वो होता था, बताओ उसको, बताओ, खानजादा ना, खानजादा आर्टिकल आता है। लेकिन कहा जाता है जिन वो अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले से सेवारत होते थे कहलाते थे ना, खानजादा कहलाते थे। कुछ लोगों का कहना खानजादा खाना खिलाकर कन्वर्जन की पद्धति थी। बहरहाल जो भी रहा हो, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। खान खाना उपाधि है। मनसब क्या था? कार्यालय, ओहदा, जागीर और जात। ओहदा एक प्रकार का पद था, मनसब कल आप लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, विकल्प बी आपका सही है। प्रश्न संख्या 28 की बात करें। 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था, अमीर कहा जाता था, अमीर उम्दा कहा जाता था, अमीर आजम कहा जाता था। तो यहाँ अमीर कहा जाता था इस कैटेगरी के जितने जिसके पास इतने जात और सवार की संख्या होती थी। ठीक है, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना कब की? 1560 में, 1565 में, 1575 में, 1580 में। तो ठीक है, तो 1575 में ना अकबर ने मनसबदारी प्रथा का प्रचलन करवाया। रुक जाओ, कौन 80 कह रहा है? अरे यार, हम शांत रहें बेटा। 80 नहीं, कल ही पढ़ाया हूं शासन के 19वें वर्ष ना, कल ही पढ़ाया गया था। जो वर्ष बनता देख ले तो 1575 है। हाँ, इतनी जल्दी भूलोगे तो कल्याण है। फिर बेटा कुछ और है वो, ये नहीं। आप घटना चक्र पढ़े हो, कल मैं पढ़ाया हूँ और अभी भी नोट्स मेरे पास मौजूद है ना। तो अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो आपका पढ़ना बेकार ना। अपवाद ध्यान दें, कभी कभी हमसे चूक होती जरूर है। शांत रहें रोहित, अवनीश, कभी कभी हमसे चूक होती जरूर है। लेकिन चूक कैसे होती है? 1900 ये जो आपका 1575 है इसको हम 1975 कह सकते हैं, 1675 कह सकते हैं, लेकिन 1660 नहीं कह सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जैसे आप जानते हैं शतक की गलती मुझसे होती है, क्या जब आप पढ़ाने लगते हैं तो उस जगह पर ऐसी जनरल सामान्य गलतियां हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख के आते हैं, देखते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। तो आपका 1575 है, ठीक है, 1575 बेटा आपका सी सही है, परेशान ना हो। चलिए 29, इतना संदेह प्रकट करोगे तो आप अपने पूरे नोट्स पर संदेह प्रकट कर बैठोगे ना। चलिए अगला प्रश्न दें।
बेटा देखें, निम्नलिखित में से कौन मनसबदार की हैसियत का नहीं है? जात, सवार, मसरूत और करोड़ी ना। करोड़ी जो है एक ऑफिसर है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक एरिया है ना, क्षेत्र है जहां से 1000 दाम इनकम होती थी, आय होती थी, ठीक है। तो यहां विकल्प आपका सी सही है। चलिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 31। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की? बाबर, शेरशाह, अकबर और हुमायूं। तो बेटा मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की, ठीक है, ये सही है। सत्येंद्र यहां हो, गुरुजी पर लोग प्रश्न आने के पहले उत्तर देते चले जा रहे हैं। तो वो पीछे चलेगा बेटा, लेकिन कुछ लोग, मैं 31 पढ़ा रहा हूँ तो 35 देंगे तो अजीब से लगेगा ना, इसीलिए बुकलेट हम लोग नहीं भेजते। बुकलेट सुविधा अनुसार भेजा जाता कि आपके हाथ में रहे, या तो फॉर्मेलिटी कराने के लिए कि आप लोग थोड़ा मोबाइल खोल लें और बात आगे बढ़े ना। तो मोबाइल नहीं खोलेंगे तब भी हमारा उद्देश्य पूरा होगा। जिनके हाथ में बुकलेट है, जिनके हाथ में बुकलेट नहीं है उनको मोबाइल खोलना अनिवार्य होगा ना। चलिए बढ़ाते रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाते रहो, अब संभल जाएंगे। प्रश्न संख्या 32। मनसबदारों हेतु माहवार वेतन प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में, औरंगजेब के समय में। 32 का उत्तर दें बेटा, जल्दी दें फटाफट। 32 का उत्तर किसके समय में? 32 का सी, शाहजहां के समय में। 29 सेकंड लेट रहता है ना, 29 सेकंड का वो रहता है बेटा, ठीक है। प्रश्न संख्या 33। भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के साथ संबद्ध की जा सकती है? तो बेटा भारत में मनसबदारी, बिल्कुल सही, तो अलाउद्दीन खिलजी, चंगेज, तैमूर और शेरशाह सूरी। तो बेटा चंगेज खान से ये उत्तर आपका सही, विकल्प सी 33, सॉरी बी 33 का। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 34 की। सूची एक सूची दो का मिलान करें, देख लें, ठीक है। 34 में सूची एक सूची दो का मिलान करें बेटा, देखें तो यहां विकल्प आपका उत्तर, मिलान कर लीजिए, विकल्प आपका उत्तर डी सही है, ठीक है। विकल्प आपका डी सही है। डी में देखा जाए तो ए में 3, ठीक है, और बी में 4, सी में 1 और डी में 2। इससे संबंधित कुछ शब्दावली कल लिखाए भी गए थे ना बेटा। प्रश्न संख्या अगला, मनसबदारी व्यवस्था में किसने 2 अस्पा सिंह अस्पा का पद सृजित किया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। 2 अस्पा और सिंह अस्पा ना, जहांगीर ने प्रारंभ किया, कल ही आप इसको पढ़े हुए हैं। और एक चीज और समझें, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेंगे, अभी एक बुकलेट और है उसका डिस्कस नहीं करेंगे, उत्तर सहित हम भेज देंगे, ठीक है सबके पास। तो 4-5 बुकलेट हो गए शायद ना, 4 हुआ होगा मुगल से, 3 शायद हुआ है सल्तनत से, ठीक है बेटा। अगला देख लें, ₹1605 में मुगल सूबों की कुल संख्या कितनी? बेटा 1605 की बात की जाए तो अंतिम में, 1605 की बात की जाए तो अंतिम में ना, तो विकल्प सी आपका सही है।
अकबर के प्रारंभिक समय में इतने थे 12 और फिर अंतिम में 3 बढ़कर खानदेश, अहमदनगर और बराज, ये बढ़ के संख्या कितनी हो जाती है 15 लिखाया गया था। बेटा चले अगला प्रश्न देख लें। प्रश्न संख्या 37, अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया? 18वें वर्ष, 24वें वर्ष, 32वें वर्ष, 40वें वर्ष। बेटा अपने 24वें वर्ष इन्होंने सूबे में, प्रांतों में इसका विभाजन किया, ठीक है, प्रांतों में विभाजन किया। प्रश्न संख्या 37 ये भी आपको बताया गया है। तो अब प्रश्न संख्या 38 की बारी आती है। 38 बेटा अगर हम 38 की बात करें, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांत का गठन किया गया? उड़ीसा का, कश्मीर, सिंध और बीजापुर। जी लेकिन यहां विकल्प आपका उड़ीसा है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 39 की। आपके पास बुकलेट नहीं था, कहां से पाए थे, ग्रुप में जुड़े नहीं हैं। चलिए ठीक है, किसी से पालिए। बेटा निम्नलिखित में से किसको मदद ए मास अनुदान प्रदान किए जाते थे? सरकारी अधिकारियों को, कलाकारों को, संतों और विद्वानों को, निर्धन व्यक्तियों और असहायों को। तो संतों और विद्वानों को मदद ए मास ये सयुर्गल भूमि प्राप्त की जाती थी ना। तो आपका उत्तर है विकल्प सी 39 का। बात करें 40 की। 40 की भूमि पैमाइश के संबंध में भवोली का क्या अर्थ है? तैयार अनाज का अल्प भाग प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर उत्पादित फसल का एक अनुपात निश्चित करना, भाग निर्धारित करने की जटिल विधि, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 40, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 का फटाफट उत्तर दें। क्या होगा? प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर उत्पादित फसल का एक अनुपात निश्चित करना, गल्ला ए बक्सी ना, यहां ठीक है। ठीक है बी आपका हो सकता है, लेकिन इसका सही उत्तर है गल्ला ए बक्सी होगा, इनमें से कोई नहीं ना। लेकिन प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर उत्पादित फसल का एक अनुपात निश्चित करना गल्ला बक्सी कहा जाएगा, विकल्प बी ही सही होगा। हाँ विकल्प भी ही सही होगा, प्रॉपर रूप में इसको गल्ला बक्सी के रूप में आप जानेंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जरीब क्या है? भूमि मापक यंत्र, छोटा कृषक, भू राजस्व का ठेका, गांव का मुखिया। यंत्र है। चलिए 41 का ए, बिल्कुल 41 का ए है, ठीक है। 41 का ये है, 42 पर चर्चा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया? राजा टोडरमल ने किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया? 4 विकल्प दिए गए हैं, बटाई दिया गया, जरीब दिया गया, कनकूत दिया गया और जब्ती दिया गया। राजा टोडरमल किस व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं? प्रश्न संख्या 42, ठीक है बेटा, जब्ती के लिए जाने जाते हैं, विकल्प आपका डी सही है, ठीक है। चलें हम देखते हैं प्रश्न संख्या 43। जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि किस रूप में वर्गीकृत की गई? पोलज के, परती के, चाचर के, खालसा के। सर्वाधिक उपजाऊ भूमि ना, सर्वाधिक उपजाऊ भूमि जो आपका है
यहाँ पोलस भूम है, पोला चाचर बंजर बंजर इस तरह से करके देखेंगे। जब भूम के प्रकारों पर चर्चा करेंगे, हम चर्चा कर लेंगे। अभी एक दिन का प्रशासन और है ना, एक दिन पढ़ लेंगे, हो जाएगा ठीक। क्योंकि मुझे टेस्ट दो लेने थे, इसलिए बीच में एक टेस्ट लाया गया, ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 44, 44 की बात करें, मध्यकाल में चाचर भूम का आशय है जिसके अनुपजाऊ होने की आशंका हो, जिसमें प्रतिवर्ष खेती हो, जिसमें 5 वर्ष तक कुछ भी ना बोया गया हो, जिसमें एकाध वर्ष कुछ ना बोया गया। प्रश्न संख्या 43 का बताएं, 44, जिसमें 5 वर्ष तक कुछ बोया ना गया हो, विकल्प सी ठीक है। इसमें कितने लोग पेपर कल ही सॉल्व कर लिए थे? चलिए अच्छी बात है। भाई 7:30 बजे तक हम यहीं रहते हैं। चलिए, औरंगजेब के शासन में अमीन एकत्र करते थे कौन सा? चारागाह कर, जजिया कर, खराज कर, जकात कर। औरंगजेब के समय में, प्रश्न संख्या 45 ठीक है। अगर बात की जाए औरंगजेब के समय में अमीन की बात की जाए, तो अमीन की नियुक्ति शाहजहां ने किया था ना भू राजस्व वसूलने के लिए, लेकिन औरंगजेब ने इनका दायरा बढ़ाकर जजिया कर तक विस्तारित कर दिया, तो इसलिए औरंगजेब को प्रॉपर रूप में कहा गया है ठीक है। तो यहां विकल्प आपका 45 में भी सही होगा। हम देखते हैं 46 की बात करें बेटा, 46 की बात करें, 46 देखिए कुछ संरचनाएं हैं। कूट एक, कूट दो का मिलान करें, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल ना बेटा देखें। तो जनरली आप जानते हैं कुतुब मीनार पहले है ना, तो अब यहाँ दो विकल्पों पर चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो आगरा का किला हो जाएगा, दो सही हो गया, कहानी आपकी ठीक हो गई। और दो दिल्ली का लाल किला, ये ताजमहल बनना शुरू हो गया था बहुत पहले, लेकिन 52 तक बनता रहा ठीक है, लंबे समय तक बनता रहा। तो आपका विकल्प होगा 46 में भी। हम बात करें 47 की, 47 में से किसने कश्मीर में शालीबाग और निषाद बाग का निर्माण करवाया? बेटा अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, नूरजहां ने? पक्का? चलिए जहांगीर की बात कर लेते हैं। बाग निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया जहांगीर ने, जहांगीर ने ही बाग का निर्माण कार्य करवाया था। और भारत में मुगल काल में सबसे पहली बाग बाबर द्वारा बनवाया गया, जिसे नूर ए अफजा, राम बाग या आराम बाग के नाम से जाना जाता है बेटा। चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 48। शेरशाह, प्रश्न संख्या 48 की, शालीमार बाग बनवाया था जहांगीर, इसका भी उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न लें, देखें निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, बाबर ने सिकंदरा, अकबर खुसरो बाग, जहांगीर चार बाग, औरंगजेब खुलदाबाद। चलें बड़ी अच्छी बात है, औरंगजेब का विकल्प खुलदाबाद ही सही है, खुलदाबाद ही सही है ना, औरंगाबाद वाला खुलदाबाद है ना, औरंगाबाद वाला खुलदाबाद है। अगर प्रयागराज वाला खुलदाबाद कर देते तो शायद गलत हो जाता ना, खुसरो बाग हो जाता शायद, इसीलिए ऐसे विकल्प बनाए भी जाते हैं ठीक है। हम अगला प्रश्न देखते हैं, जनरली देखने में एक बार आदमी असहज महसूस करेगा। मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब बनाए जाते हैं?
मीनार में, किले के चारों ओर की दीवारों में, गुंबज में, मुखद्वार पर, मेहराब, ना मुख्य द्वार पर, विकल्प आपका डी सही है, मेहराब मुख्य द्वार पर बनाए जाते हैं, और छत को आधार प्रदान करने के लिए मुझे लगता है कि आज मुझे काफी चश्मे मिलेंगे। बिना चश्मे वाले बैग छीन ली जाएगी। उस दर्द को हम जानते हैं ना। जोधाबाई महल स्थित है बेटा फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, अजमेर में, पानीपत में, जल्दी बताएं फटाफट। फतेहपुर सीकरी में ना, जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में, प्रश्न संख्या 51 ना, ठीक है। चलिए बड़ा अच्छा सा प्रश्न अगला आने वाला है। चलिए तो मुगल काल में चित्रकला को प्रारंभ किया गया था, अकबर के काल से, हुमायूं के काल से, जहांगीर के काल से, शाहजहां के काल से। बेटा प्रारंभ की बात की जाए तो हुमायूं के काल से। अगर यही प्रारंभ की जगह पर कह दिया जाता नींव डाली गई, अगर नींव डाली गई की बात की जाए तो अकबर के काल से होता, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने नींव डाली थी। लेकिन चित्रकारी का प्रारंभ तो हमने बताया था कि उसका क्या नाम है, दास्तान अमीर हमजा ना, अकबर के समय से उसका चित्रांकन प्रारंभ हो गया था। बेटा चलो हम अगला प्रश्न देख लें, प्रश्न संख्या 53। हुमायूं का मकबरा है आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में, काबुल में। दिल्ली में, बहुत सही, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और ये अकबर के समय की बनने वाली पहली स्थापत्य रही। ये सब आप लिखे हैं, पढ़े हैं, ठीक है। हाँ न्यू पूछेगा तो अकबर आएगा बेटा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली, जामा मस्जिद फतेहपुर, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा, मोती मस्जिद आगरा। 54, प्रश्न संख्या 54 की बात करें बेटा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, तो इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया, तो जामा मस्जिद फतेहपुर, एतमादुद्दौला और मोती मस्जिद। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी ना, यहाँ बेटा चार स्थापत्य दिए गए हैं। अगर चारों स्थापत्य आप देखे हो, जब हमने इसको पढ़ाया उड़ाया था तो आपको बताया था कि ये भी महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण। एतमादुद्दौला ठीक है, पिट्राड्यूरा शैली, पूर्ण संगमरमर का प्रयोग, नूरजहां, जहांगीर ना, जहांगीर के शासनकाल में नूर, ठीक है। तो चारों स्थापत्य अपने महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा उत्तर है विकल्प ए। चलिए अगला प्रश्न देखें। तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? मियां की ठोड़ी, रुद्र वीणा, बेटा यंत्र की बात की जा रही है ना, राग यंत्र है। बहुत सरल प्रश्न है ना, रुद्र वीणा यंत्र की बात हो रही, इंस्ट्रूमेंट ना, ठीक है, विकल्प बी। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं कराया गया? बेटा नहीं कराया गया, आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद किला, दिल्ली का किला। दिल्ली का किला शाहजहां द्वारा कराया गया था, ठीक है, बड़ा अच्छा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्तावन,
बेटा अकबर द्वारा कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं है? बेटा जब ऐसे प्रश्न मिले, नहीं वाले मिले, तो उसको आप राउंड अप करें, उसके बाद कोई कहानी शुरू की जाए ना। नहीं, ऐसे प्रश्न आते हुए प्रश्न भी हमारे गलत होते हैं। तो अब हम देखते हैं कौन सी इमारत दीवाने आम, पंचमहल, दीवाने खास, शीश महल, शीश महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है ना। तब शीश महल कहाँ है यार? आगरा में, सिकंदरा में है ना, सिकंदरा, जहां अकबर का मकबरा बना हुआ है, मकबरे के बाहर ना, छोटी सी संरचना है जो पहले उसमें शीशे जड़ा करते थे। जब शाहजहां आया करते थे तो वहां शिकार करने आया करते, तो उनका आरामगाह था, ख्वाबगाह था। बहरहाल जो भी है, चलिए आगे देखें। 58, बेटा हम करते हैं 58 की बात। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में, अजमेर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में ना, सिकंदरा में है। बाकी की कहानी आप लोग जान रहे हैं, बड़ा अच्छा। चलिए अगला प्रश्न ले लिया जाए। अकबर कालीन किस भवन या भवनों की स्थापत्य योजना बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली? बेटा हमने बताया था कि फतेहपुर सीकरी का पंचमहल भी और अकबर का सिकंदरा में अकबर का मकबरा भी, दोनों भी बौद्ध धर्म से प्रभावित थे ना, चर्चा किया गया है। तो आप देखेंगे विकल्प ए और बी दोनों सही, तो उत्तर आपका मिलेगा सी। ठीक है, उत्तर मिलेगा बेटा सी। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। 59, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, शाहजहां, एतमादुद्दौला का मकबरा। तो प्रश्न संख्या 60 की बात की जाए तो एतमादुद्दौला का मकबरा पूर्णतः जो संगमरमर से बनाई गई, पहली बात पूर्णतः बनाई गई, और इसमें पेट्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया, और ये आगरा में, बहुत सारी चीजें यहाँ से बनी है। बाकी चीजें आप लिखे हैं, लिखने के साथ 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 में चर्चा भी हम लोगों की हुई है, तो विकल्प आपका डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। आगरा का एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने और नूरजहां ने। तो बेटा नूरजहां ने बनवाया था। भाई विनम्र निवेदन है, जिसके पास बुकलेट पहुंच चुका है, क्वेश्चन आने के पहले आंसर ना दें, अदरवाइज अगली बार से आपको बुकलेट हम नहीं भेजेंगे ना। जिन परीक्षार्थियों के पास या जिन लोगों के पास पहले से बुकलेट नहीं है, जो हमारे प्रॉपर वे में विद्यार्थी नहीं हैं, उनके लिए समस्या होती, ऐसी हरकत आप लोग ना करें, चाहे हमारे ऑनलाइन के विद्यार्थी हो या हमारे ऑफलाइन के। ठीक है, अगले का सम्मान करें जिसके हाथ में कोई बुकलेट नहीं। केवल जब आगे से यहां से क्वेश्चन चलेगा तभी उनको मिलेगा। ठीक है भाई साहब, हम कहां पहुंचे हैं? ये कौन है? विवेक नारायण। कहां है विवेक नारायण? अरे तो हम तुम्हें बेलहा भेज देंगे अभी। आप ही हो, कोई ऑनलाइन वाला है? देख लीजिएगा, बदनाम हो गए आखिर आप। बदनाम तो हुए विवेक जी। जी चले बेटा, ठीक है। एक दिन तो एक लड़का कहा कि तो हमारे साथ बड़ी बहुत बड़ी चीटिंग है। फिर जब पूछे हमके कौन हो यार, तो उस क्लास में, तो वो आए कहे सर वो वाले हम ही हैं, सामने नहीं बाद में, हम ही हैं। हमके यार दोबारा हरकत मत करिएगा बेटा। चलो
62 हो गया। किसने बनवा, एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया गया किसके समय में, अकबर के समय में, बाबर के समय में, हुमायूं के समय में, बेटा जहांगीर के समय में। तो जहांगीर के समय में एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया गया, चलिए बड़ी अच्छी बात है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत के किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया हो? दिल्ली के लाल किले का भवन, ताजमहल, हीरा महल, दिल्ली की जामा मस्जिद, फटाफट बताएं। ताजमहल, ठीक है। संयोग से चलिए, अभी वो बंद किया तुरंत ना बेटा, चले जो उत्तर सही है वही दीजिए, गलत उत्तर मत दीजिए, जानबूझ के कहोगे तो मैं, चल बेटा चलो अगली बार। अरे छोड़ो यार, सूची एक सूची दो का सुमेल करें बेटा। ये प्रश्न आपका है 64, सासाराम का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, चार मीनार, मिलान कर लीजिए कौन बन रहा है 64 में, ये ना 43, 4443। हाँ बेटा ठीक है, विकल्प ए ठीक है। चलिए हम अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 65। मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल, ग्रीष्मकाल का मतलब तपा हुआ काल, उठा हुआ काल, ठीक है, ग्रीष्मकाल है, जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। स्मिथ ने कहा, पर्सी ब्राउन ने कहा, एल्फिस्टन ने कहा, मार्शल ने कहा, जल्दी से बताओ। पर्सी ब्राउन ने, बिल्कुल बहुत सही बेटा, बड़ा अच्छा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, 65 का भी हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 66। सूची एक सूची दो को सुमेल करें बेटा। कूट का प्रश्न है, ये प्रश्न, ये कूट तीन चार यहां मिले हैं या जो भी प्रश्न होंगे पिछले उसमें जो है काफी कूट थे, दोनों कूट का मिलान कर लेंगे तो उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन एक विकल्प, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, अकबर, मिल गया एक दो विकल्प, आपका ए सही है, ठीक है, 66 का विकल्प ए। चलिए अगला प्रश्न लें, अगला प्रश्न, चित्रकला की किस शैली को निहाल चंद ने समृद्ध किया, निहाल चंद ने किस कला शैली को मजबूत किया, ये आपको नहीं पढ़ाया गया है लेकिन चर्चा किए हैं, चर्चा हम आप लोगों से किए हैं, लिखाए नहीं, चर्चा किए बेटा। बूंदी, गुलेर, किशनगढ़, कोटा, किशनगढ़ शैली के चित्रकार कौन थे, प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, निहाल चंद, निहाल चंद किशनगढ़ शैली के शासक, सामंत सिंह ना, नहीं सामंत वो शुरू किए थे, घमंड सिंह ना, घमंड सिंह ने किशनगढ़ शैली में चित्रकला का शुरुआत करवाया था, लेकिन सामंत सिंह जो है ना, सामंत सिंह के समय में प्रकाष्ठा पर पहुंचा,
और उन्हीं के चित्रकार ये निहाल चंद रहे, और सामंत सिंह का नाम नागरी दास रहा ना, नागरी दास उपनाम से कविता किया करते थे, और एक कवि भी थे, किताबों की रचनाएं भी की थी। और निहाल चंद जो है नागर समुच्चय ना, नागर समुच्चय नामक जो इन्होंने 75 ग्रंथ की रचना की थी सामंत सिंह ने, उन्हीं को नागर समुच्चय के नाम से उन्होंने क्या किया, चित्रित कर दिया। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी ठड़ी का चित्र ना, बड़ी ठड़ी बड़ी ठड़ी का मतलब राधा रानी ना, बड़ी ठड़ी का चित्र इन्हीं के समय में बनाया गया, और वो निहाल चंद ने बनाया। बड़ी ठड़ी राधा रानी का चित्र है, जो सामंत सिंह की नायिका थी ना, बड़ी ठड़ी सामंत सिंह की नायिका थी, जो नागरी दास के उपनाम से कविता किया करती थी। बहरहाल इतना जानने का आप लोगों को जरूरत नहीं है, हम देखते हैं आगे। तो आपका उत्तर बेटा यहाँ किशनगढ़ है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला में से उस्ताद ईसा संबंधित हैं? ताजमहल से, बुलंद दरवाजा से, लाल किला से, एतमादुद्दौला की मकबरा से? ताजमहल से। ठीक है, उस्ताद ईसा संबंधित हैं, विकल्प आपका ए। चलिए, किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? बेटा खूब पूछा जाता है, दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। नमस्ते, इसको कर लो, बाद में कर लेना। किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? किसने बनवाया था, किसने बनवाया था? बेटा देखो, बीबी का मकबरा, ठीक है, औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सूची एक, सूची दो को सुमेलित कीजिए। बेटा गोल गुंबद, ताजमहल, बीबी का मकबरा, सिकंदरा, और उधर शासक का नाम। गोल गुंबद की बात की जाए, ठीक है, ताजमहल की बात की जाए, बीबी का मकबरा की बात की जाए, सिकंदरा की बात की जाए, मिलान मिला लीजिए, तो जहां पर एक होगा, ठीक तो है कहानी ना, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा, प्रश्न संख्या 71। शाहजहां ने अपनी ज्येष्ठ पुत्री जहां आरा के सम्मान में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, वह मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में, लाहौर में, आगरा में, बुरहानपुर में? ना 71, प्रश्न संख्या 71, कहाँ है मंदिर मस्जिद? आप क्या कह रही हैं? हाँ ठीक है, तो बेटा आगरा में, आगरे के जामा मस्जिद जो बनाई गई लाल किले के, सॉरी किले के अंदर, वो जहां आरा ने बनवाया, या जहां आरा के सम्मान बनाया गया, ध्यान रखें। हाँ बताने दीजिए, सुन रहे हैं हम, सुन रहे हैं। विकल्प आपका ये सही है। चलिए बेटा, प्रश्न आपका क्या है? नादिर उल असर, नादिर उल असर की उपाधि किसने धारण की? उस्ताद मंसूर, अबुल हसन ना, बेटा मैंने बताया था रा को रा से जोड़ दो ना, बाकी कुछ नहीं करना है। दुए एक असर और नादिर उल असर और नादिर उल जमा की उपाधि दी गई है। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न आपका है।
किस मुगल शासक ने चित्रकला के विकास हेतु पृथक रूप से चित्रकला कारखाना की स्थापना की? जहांगीर ने, शाहजहां ने, अकबर ने और हुमायूं ने? तो बेटा अगर यहां इन्होंने कोई कारखाना नहीं स्थापित करवाया था ना, तो स्थापना की थी अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने चित्रकार मीर सैयद अली और दसवंत को संरक्षण दिया था? अकबर ने मीर सैयद अली और दसवंत को संरक्षण दिया था? तो अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और नूरजहां ने? तो बेटा ये खूब पूछे जाते हैं दसवंत भाई साहब, सैयद अली भी खूब पूछे जाते हैं, मीर सैयद अली जुदाई जिसे आप कहते हैं ना बेटा। चले अगला प्रश्न लें। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी या उत्कृष्ट मर्मज्ञ कौन था? ठीक है, ये जहांगीर चित्रकारों का पारखी और मर्मज्ञ था। जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? बिशनदास, अबुल हसन, मंसूर, आगा राजा। बिशनदास कहाँ प्राकृतिक के, मंसूर हैं पशु पक्षी और, ठीक है, प्रकृति के चित्रण चित्रकार कौन थे? मंसूर थे, 76, ठीक है। चलिए बैठ करें, दो मिनट शांत रहें, शांत रहें। तो हम टेक्नीशियन नहीं, भाई साहब आ रहे हैं, इसको सही कर देंगे। प्राकृतिक विषयों के चित्र का चित्रण के लिए प्रसिद्ध था, आपने मंसूर देखा, ठीक है, आपने मंसूर देखा। अगला प्रश्न लेते हैं। सतहत्तर, कानून के अक्षर में धर्मांध अनुयायी चित्रकला के शत्रु हैं किंतु उनकी आंखें अब सच्चाई को देखती हैं, यह किसका कथन है? बसावन का, जहांगीर का, अबुल फजल का और औरंगजेब का? यहां कथन आपका अबुल फजल का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लें।
अगला प्रश्न, हाँ, जहांगीर के काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? अबुल हसन, मुहम्मद नादिर, समरकंदी, बसावन, मुराद। तो जहांगीर के समय के अबुल हसन की बात की जाती है, ठीक है, यहाँ मुराद हो सकता है ना, मुराद, लेकिन यहाँ अबुल हसन आपका उत्तर 78 में ये सही है। चलिए अगला प्रश्न लें। मुगल रूप चित्रों में प्रभा मंडल का निरूपण किस मुगल शासक के काल में शुरू हुआ? मुगल चित्रों में प्रभा मंडल का निरूपण ना, ये चित्र के चारों तरफ आभा, तो किसके समय में होता है? जहांगीर के समय में, ठीक है, किसके होता है? जहांगीर के समय में। बेटा हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अस्सी की प्रश्न संख्या 80, वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने गया था? बसावन, दशरथ, बिशनदास मनोहर। बिशनदास बेटा खूब पूछा जाता है, विकल्प सी आपका सही है ना। ये सारे प्रश्न आने वाले हैं, कोई भी परीक्षा हो बार बार ये प्रश्न आपके नहीं गलत होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न किसी के नहीं गलत होंगे जो रेगुलर प्रतियोगी होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। किसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला अत्यधिक विकास हुआ? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां और बहादुर शाह। पोर्ट्रेट व्यक्ति चित्र जहांगीर के समय में, ठीक है, 81 का बी। अगला देखें 82, अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की? बाबर द्वारा खानवा विजय ना, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म का, गुजरात विजय का, हल्दी घाटी की युद्ध में मुगलों की विजय का? बेटा शेख सलीम चिश्ती के को सम्मान प्रकट करने के लिए तो उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उन्होंने वहां पर फतेहपुर सीकरी की स्थापना किए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां और औरंगजेब। जल्दी बताएं, 83, ठीक है, बिल्कुल जहांगीर के समय के थे मंसूर। मंसूर को पकड़ लेंगे, माधव स्वतः क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 84 की बात करें। बेटा 84 में किसके शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ना, बेटा यहां 84 में सी। चलिए अगला प्रश्न लें। प्रश्न संख्या 85 की बात करें। किसके शासनकाल में मयूर सिंहासन निर्मित हुआ? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। पूछा जाएगा मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम, मोहम्मद शाह, रंगीला साहब। बेटा चले अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को किस खदान से प्राप्त किया गया? बेजापुर, गोलकुंडा, छोटा नागपुर और उड़ीसा। तो गोलकुंडा के खान से विश्व प्रसिद्ध हीरा, ठीक है, प्राप्त हुआ। बेटा फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, विकल्प सी शाहजहां सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 88, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? बिल्कुल बेटा सही, आगरा के किले की मोती मस्जिद शाहजहां ना, और दिल्ली के किले की मोती मस्जिद ना, दिल्ली के किले की मोती मस्जिद औरंगजेब, ठीक है, लाहौर में भी मोती मस्जिद है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? औरंगजेब बीड़ा बजाने के शौकीन थे, विकल्प भी, लेकिन ये अकबर क्या बजाते थे? नगाड़ा कह दें, दोनों बात एक ही है, कोई कहता ये ना, दोनों एक ही है, कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेटा चले अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब द्वारा संगीत प्रतिबंधित करने की सूचना हमें मिलती है साकी मुश्ताहिद खां से, कासिम सिराजी से, मनुची से, वर्नियर से। संगीत निषिद्ध करने की सूचना औरंगजेब द्वारा दी जाती है, औरंगजेब ना मनुची से, ना मनुची से पता चलता है, मनुची। ठीक है, मध्यकाल के दौरान पार्सियन में साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू था? चंद्रभान, भूपत राय, जसवंत राय, मुंशी मधुसूदन मिश्र। मध्यकाल के दौरान पार्सियन में साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? बेटा चंद्रभान, चंद्रभान है। निम्नलिखित में से कौन अकबर के आदेश से लिखे गए मौलिक ग्रंथ हैं? तारीखे अल्फी, अकबरनामा, आईने अकबरी। न तीनों, तीनों इन्हीं के समय के लिखे गए, तो कह सकते हैं इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, अमल ए साले का लेखक कौन है? मोहम्मद साले, अली साले, फैज साले और अलीम साले। 93, जल्दी से बताएं। समझ गए। तो बेटा इन चारों साले में मोहम्मद साले का नाम लिया जाता है। आज खूब मस्ती कर रहे हो, करते रहो ना। पादशाह नामा के लेखक कौन थे? जहांगीर, मोहम्मद अमीन कजवीनी, उमर, गुलबदन बानो। बताएं। 94, बी ऑप्शन, बिल्कुल बहुत सही, बी ऑप्शन, मोहम्मद अमीन कजवीनी ने पादशाह नामा की रचना की। आगे देखें, चलिए आप ही की बात सही ना। अब इसमें बताएं, मुगल बादशाही जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम ना उलूम की स्थापना की, मेहरुन्निसा, हाजी बेगम ने ना। कौन सा? बैतुल उलूम। चलो इनको देख लीजिए, फिर देखते हैं। ठीक है, बात दिल्ली की। दास्ताने मजाहिब को अकबर के दीने इलाही की चर्चा करता, दास्ताने मजाहिब जो अकबर के दीने इलाही की चर्चा करता है, लेखक था मोहम्मद रब्बानी, मोहसिन फानी, मोहसिन फानी बदायूनी और अफीफ। तो बेटा यहां आपके है मोहसिन फानी, विकल्प बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय भंडारी किसके समय के थे? ना जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह और औरंगजेब। सुजान राय भंडारी औरंगजेब के समय के थे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। तोहफतुल हिंद रचना किसके समय के, किस पर है संबंधित है? न्याय पर, प्रशासन पर, अर्थ पर और संगीत पर। 98, बताएं। प्रशासन पर, फिर फतवा आलमगीरी क्या है?
ना बेटा, यहां ये संगीत पर है, ठीक है। देखें सूची एक सूची दो का सुमेल करें, सूची एक सूची दो का सुमेल करें बेटा। तबकात अकबरी, तबकात नसीरी, तारीख फिरोज शाही, तारीख अल्फी, निजामुद्दीन अहमद, जियाउद्दीन बरनी, मुल्ला अहमद, मिनहाजुद सिराज, ये किताबें बेटा लगभग लगभग बार बार पूछी जाती हैं ना। ये ऑप्शन तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन, ठीक है, विकल्प आपका ए सही, ठीक है। अगला देखते हैं, सौ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये प्रश्न ही गलत है। आप बताइए, आप पढ़ लीजिए, नहीं काट के, नहीं काट देंगे उत्तर सही हो जाएगा ना। नहीं, हाँ नहीं काट दीजिए, नहीं आप लोग ऑनलाइन वाले भी नहीं निकाल दीजिए, उत्तर सही हो जाएगा बेटा। फादर मासेरात अकबर के समकालिक थे, विकल्प आपका सी सही। ठीक है बेटा, सी ठीक है, उसको नहीं हटाना पड़ेगा। चलिए अगला देखें, बाबर द्वारा चित्र, बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुके बाबरी लिखी गई? तुर्की भाषा ना, मूल भाषा इनका क्या था? चगताई तुर्की था, और इसी में इनकी आत्मकथा लिखी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सौ दो, आईन ए अकबरी एक है, तैमूर से अकबर तक का इतिहास, अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकीय दस्तावेज, लेखक के कार्यालय पत्र है, लेखक के कार्यालय पते की है, ठीक है। तो इसमें आपका अकबर के समय का सांख्यिकीय दस्तावेज, मतलब उनके समय के उतार चढ़ाव, जो उनके समय का इतिहास है, आईने अकबरी, आईन मतलब आईना ना, झरोखा बेटा, ठीक है। तो आपका विकल्प भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया? उर्दू में, अरबी में, फारसी में, हिंदुस्तानी में? तो फारसी भाषा में लिखा गया, ठीक है, फारसी भाषा में बेटा लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चार, तो सूची एक सूची दो को सुमेल करें, फतुहा, फतुहात आलमगीरी, मासीर आलमगीरी, आलमगीर नामा, मुंतकब उल लुआब। बिल्कुल, किसी को आप पकड़ ले रहे हैं, सही हो जा रहा है, आपका सी सही है ना, ठीक, बेहतर। ये नंबर अब 104, बेटा देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अकबर कालीन नहीं है? अकबरनामा, तारीखे बदायूनी, बादशाहनामा, तबकाते अकबरी, अकबर का समय का नहीं है। बादशाहनामा या पादशाहनामा, बराबर जहांगीर ना, तो विकल्प आपका सी बेटा। चलें 106, समेत नहीं बहुत बेटा, जल्दी, ग्रंथ अनवारे सुहेली फारसी अनुवाद है किसका? पंचतंत्र का बेटा, खूब पूछा जाता, महाभारत का रजमनामा होता है, ठीक है, रामायण, और ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 107, निम्नलिखित में से किसने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया? पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? इधर पंचतंत्र का अंग्रेजी भाषा, फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने किया। फैजी 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 चिल्ला रहे ना, सब फेल हैं, परेशान मत होइए, ये वाला प्रश्न कंफ्यूजन वाला है, जिसने फैजी कहा हो कम से कम जाके 5 बार पढ़ लीजिएगा,
और छठी बार भूलिए तो दूसरे तरीके से पढ़ लीजिएगा, जो दूसरा वाला तरीका बताता हूं बेटा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है बेटा? अलबरूनी किताबुल हिंद, फैजी अकबरनामा नहीं, ईश्वरदास नागर मिराते मुलुक नहीं, खफी खां आलमगीरनामा नहीं। तो अलबरूनी किताबुल हिंद की रचना की विकल्प आपका ये सही है 108 में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह द्वारा नहीं लिखी गई? तुजू के बाबरी, हुमायूं नामा, तुजू के जहांगीरी, रक्कात ए आलमगीरी। तो बेटा हुमायूं नामा नहीं लिखा गया, गुलबदन बेगम ने लिखा है, ठीक है। बाकी की जान ही रहे हैं, तुजू के बाबरी, तुजू के जहांगीरी, रक्कात ए आलमगीरी, ये औरंगजेब के पत्रों का संकलन है बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। चलिए सूची एक सूची दो का सुमेल करें। गुलशन इब्राहिम, तारीख फिरोजशाही, मुंतकब उत्तवारीख, अकबरनामा, एक ही मिलाने से मिल जा रहा। बिल्कुल सही, आपका भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुप्रसिद्ध कृत तबकात अकबरी की रचना किसने की? ख्वाजा निजामुद्दीन ने, बदायूनी ने, अबुल फजल ने, ख्वाजा ख्वांदमीर ने? ख्वाजा निजामुद्दीन ने तबकात अकबरी की रचना की, विकल्प आपका ये सही है। चलिए अगला प्रश्न लें। निम्न में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम में संशोधित किया? अबुल फजल ने, फताउल्ला सिराजी ने, शेख फैजी ने, शेख अबुल नबी ने? 12 फताउल्ला सिराजी, फताउल्ला सिराजी। पाठ्यक्रम इनका दृष्टिकोण कैसा था? वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, मैंने आपको लिखाया है ना। लगभग लगभग बेटा सारे प्रश्न अपवाद छोड़ के, या जो नहीं पढ़ाया हूँ, सारे के सारे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, बस मेहनत करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखें। सूची एक सूची दो का मिलान करें। तबकाते अकबरी मिल गया, मिल गया ना। तबकाते अकबरी, तबकाते नशीरी, तारीखे फिरोजशाही, तारीखे अल्फी, विकल्प बी 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 113। जल्दबाजी तो नहीं कर गए? हाँ जल्दबाजी कर गए, विकल्प डी, विकल्प डी, ठीक है, 113 में डी है बेटा। चलें, जल्दबाजी नहीं करना है, हो जाएगा, कई प्रश्न ही है। निम्नलिखित में से कौन सा मुरक्का ये दिल्ली का लेखक है? अली कुली खां, शाह अब्दुल अजीज, गुलाम हुसैन, तबा तबाई, दरगाह कुली खान। 114 ना, इसका उत्तर बेटा आपका है 15 में 14, 14 में उत्तर है दरगाह कुली खान, कुली खान, ठीक है, दरगाह कुली खान। अगला देखते हैं 15। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिकोह की रचना नहीं मानी जाती? कौन सी दराबनामा नहीं मानी जाती? तो उत्तर आपका है विकल्प डी, ठीक है। चलिए, शेर अकबर है, मजमाउल बहरून है, समुद्र संगम। मजमूल बहरीन का मतलब दो ना, हिंदी एक हो, तो आपका उत्तर बेटा विकल्प डी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा सिकोह द्वारा तैयार किया गया उपनिषदों का फारसी भाषा की प्रस्तुति है? सिरे अकबर, मजमूल बहरीन, किताबुल हिंद, बहरुल हयात ना, शेर अकबर ना, महान रहस्य जिसे कहा जाता है,
ठीक है, उत्तर आपका ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दारा शिकोह के किस संस्कृत कृत का फारसी अनुवाद नहीं हुआ? उपनिषदों का दारा शिकोह के समय में या किस फारसी कृत का अनुवाद नहीं हुआ? उपनिषदों का, भागवत गीता का, भाषा योग वशिष्ठ का, भागवत पुराण का? तो भागवत पुराण का नहीं किया गया, ठीक है, भागवत पुराण का नहीं किया गया, भागवत पुराण का अनुवाद टोडरमल ने किया था, ठीक है। बेटा अगला देखते हैं, 18, सूची एक सूची दो का सुमेल करें। खुलासतु तवारीख 118, ठीक है, 118 में खुलासतु तवारीख 4, और फतुहा तो आलमगिरी, ठीक है, तो इसमें कौन सा है? ये 3 बिंद्रा डी होगा, ठीक है। चलिए अगला देखें, 119, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 3200, इसे लिखा है, मुगल कस्बों का उल्लेख किया है जिसमें से 120 बड़े नगर थे, ठीक है, तो इसमें उत्तर आपका है ठीक है 19। देखो, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 3200 मुगल कस्बों का उल्लेख किया है जिसमें 120 बड़े नगर थे? 119 बताओ जल्दी फटाफट। निजामुद्दीन अहमद का है, ठीक लगाया हूं, विकल्प बी। दो प्रश्न और है, कितना है, 5 है, थोड़ा स्पीड बनाए रखें। औरंगजेब के राजकाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ फतुहत आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई? 120 फतुहत आलमगिरी किसके द्वारा? ईश्वरदास नागर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आलमगीर नामा के लेखक कौन है? मिर्जा मोहम्मद कासिम अमीर खुसरो मुल्ला मोहम्मद कासिम इनायत खान, जल्दी बताएं फटाफट। 121 मोहम्मद, सॉरी मिर्जा मोहम्मद काजिम, ध्यान अंतर है, विकल्प ए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, दो और। औरंगजेब ने अपनी विजयों का लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा? गंगाधर, ईश्वरदास नागर, महेरा और देवी मिश्र। बेटा ईश्वरदास नागर, ठीक है, जल्दी से एक प्रश्न और, दो। औरंगजेब के राजकाल में नुक्शा-ए-दिलकुशा नामक ग्रंथ किसने लिखी? भीमसेन जोशी, ठीक है, भीमसेन जोशी, विकल्प ए। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में एक रेखता थी, इस भाषा को लोकप्रिय नाम क्या था? रेखता कहा जाता था किसे? उर्दू को, विकल्प ए आपका सही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, हाँ रेखता, रेखता। चलिए, मुगल काल में निम्न में से कौन सा स्थान हिंदू शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा? आगरा, ग्वालियर, नदिया और जौनपुर। 25 में नदिया कहाँ है? बंगाल में, तो विकल्प सी आपका सही। इस प्रकार से आप लोगों ने 125 प्रश्न हल किए। एक बुकलेट और है, देखा जाएगा कैसे दिया जाता है कि उत्तर सही भेज देते हैं, हाँ ना, तो ठीक है।